2015 में तेलंगाना में हुए एमएलसी चुनावों के दौरान रेवंत रेड्डी तब सुर्खियों में आ गए थे जब उन्हें मतदान में करेंसी नोट इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस गिरफ्तारी से रेवंत रेड्डी ना डरे और ना ही घबराए, बल्कि इसी गिरफ्तारी के बाद से रेवंत रेड्डी और आक्रामक हो गए। 30 नवंबर को तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसका परिणाम रविवार को आया था। जहां कांग्रेस ने 64 सीटें जीती, तो वही तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति के खाते में सिर्फ 39 सीटें ही आई। बात करें भाजपा की कि अगर भाजपा को तेलंगाना में कितनी सीटें मिली, तो आपको बता दें तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली है। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना में मुख्यमंत्री की दौड़ में रेवंत रेड्डी का नाम हमेशा से आगे रहा है। उन्होंने तेलंगाना में अकेले कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। बता दें मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और एआईसीसी के सदस्यों से बातचीत करते हुए मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा की। चर्चा होने के बाद पार्टी ने रेवंत रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाया और सत्ता में भागीदारी का फॉर्मूला बनाया, जिसके तहत दलित नेता मल्लू मही विक्रमक्का और उत्तम कुमार रेड्डी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा हुई। बता दें उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने कहा कि पार्टी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीनों का ही समय बचा है। जितना पार्टी मिलजुल कर काम करेगी, उतना फायदा हमें आगामी लोकसभा चुनाव में होगा। बता दें काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए सीएम के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। वो कल 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। इसी बीच कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को सीएम चुने जाने पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बहुत बहुत बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लोगों के लिए अच्छी तरह से काम करेगी और अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने की कोशिश करते हुए एक बेहतर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।